राम राम मेरे मजदूर भाइयों, तो स्वागत है मेरे चैनल तो पे। आज मैं आपको बताता हूँ कि भट्टे जो मजदूर होते हैं उनका कितना नुकसान होता है। तो देखिए, बारिश हुआ, हालांकि कम ही हुआ बारिश, पर नुकसान तो हुआ ही है। जो ईंट गिरा हुआ है उसका पैसे तो मिलता है, पर जो पेड़ को साफ करना, ईंट को फेंकना, इस सब का पैसे नहीं मिलता। तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा कितना नुकसान हुआ है। वैसे तो थोड़ा कम ही है, पर कई बार इससे ज़्यादा बारिश हो जाता है तो बहुत ज़्यादा सभी ईंट ख़राब हो जाता है। अब उसको साफ़ करना, फिर ईंट को तोड़ कर फिर से खानी मतलब घर बनाने के लिए तैयार करना, इस सब का पैसे बिल्कुल नहीं मिलता। सिर्फ सिर्फ ईंट बनाने का ही पैसे मिलता है। तो आगे आप बता दूँ कि पानी तो भर भी चुका है यहाँ पर, ये रहा पानी भर चुका है यहाँ पर, और इससे हम खुद ही इसको पानी निकालना पड़ेगा और इसका भी पैसे नहीं मिलता। और जो ईंट ख़राब हो गई, बिल्कुल ही ख़राब हो गया समझो, कुछ कुछ चलेगा इसमें से, पर बाकी बहुत ज़्यादा इसमें से मलबा फेंकना पड़ेगा। जैसे फेंक रहे हैं यहाँ पर, इसको फेंकने के बाद यहाँ पर तोड़ कर घानी बनाना पड़ता है, तो इस सब चीज़ों का पैसे बिल्कुल नहीं मिलता, पर ये करना पड़ता है। इसे तोड़ कर घानी बनाना है और ये पानी भी निकालना है, और इस अगर ये उठने के बाद पूरा साफ करना है यहाँ पर। तो देखना, मैं आप बताता हूँ कि रिंग कैसे किया जाता है इसको। तो इसे बोलते हैं रिंग करना, मतलब इसमें जो जगह है वो बिल्कुल लेवल हो जाता है, जो ऊपर नीचे जो ख़राब होता है जगह वो सब साफ़ हो जाता है इसमें ये करने से। तो ईंट अभी ले जा चुका है यहाँ पर। तो ये रहा जो रेड़े जो चला है, घोड़े का पैर का निशान है, रेड़े में ख़राब हो चुका है, वो सभी जगह को साफ करना पड़ता है, और इन सब चीज़ का पैसे बिल्कुल नहीं मिलता। अगर ये बारिश फिर से हो गया तो समझो मेहनत बेकार ही है, फिर से करना पड़ेगा ये सब चीज़। ये इस तरह रिंग में, ये रिंग है, इसमें घिसना पड़ता है सभी जगह को। तो मेरे मजदूरों जो काम कर रहे हैं, तो इस रिंग करने के बाद इसमें खींचना पड़ता है मिट्टी को, ये मिट्टी खींच कर पूरा अगर वीडियो साफ करना लगा तो पड़ेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, वो आपका मजदूर भाई चैनल है।